पिछले कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके चलते कुछ लोग इसके सपोर्टर्स हो गए तो कुछ हेटर्स भी। और इसी बीच मूवी के स्टार कास्ट के पास्ट स्टेटमेंट्स भी सामने आने लगे, जिसमें से एक था रणवीर कपूर का बीफ वाला इंटरव्यू, और जिसको लेकर पब्लिक ने रणवीर कपूर को काफी ट्रोल भी किया। और जाने अनजाने में मूवी की एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यूज में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि पब्लिक काफी ऑफेंड हो गई। ये थे कुछ पॉइंट जिससे मूवी को हेट मिलना शुरू हुआ, और देखते ही देखते बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोगों ने तो मूवी को रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कहना शुरू कर दिया। इसके बाद सामने आई मूवी की एडवांस बुकिंग, जो थी 15 करोड़, और ये सुनते ही सोशल मीडिया के गुरु लोग जाग उठे। कई लोगों ने बोला अगर बॉलीवुड बदलना है तो ऐसी मूवी को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिनमें से एक मैं भी था, मेरा भी यही मानना है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि ये एडवांस बुकिंग ही फेक है। फिर आया मूवी रिलीज का फाइनल डे। मूवी अपने पहले ही दिन 35 से 40 करोड़ का कलेक्शन कर गई। फिल्म का कलेक्शन देख के बॉयकॉटर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। पॉजिटिव रिव्यू होने की वजह से मूवी ने दूसरे और तीसरे दिन दबा के कमाई की, और 3 दिनों में मूवी ने वर्ल्ड वाइड 225 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया। इस बीच तो बॉयकॉटर्स का बीपी हाई से भी हाई हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मूवी रिलीज के 3 दिनों तक जो कुछ हो रहा था वो सब उल्टा हो गया। चौथे दिन मूवी का कलेक्शन सीधा 43 करोड़ से 16 करोड़ पर आ गया। इसके अगले दिन 13 करोड़ और गिरते गिरते ये 7वें दिन तक 9 करोड़ पर पहुंच गया। और ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ये वो डाटा है जो बॉलीवुड हंगामा और विकिपीडिया जैसी साइट से लिया गया है। बॉयकॉटर्स की मेहनत सफल हुई या नहीं, मूवी सुपर हिट हुई या फ्लॉप, और ब्रह्मास्त्र को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में शेयर करो। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।